आदर्श शिक्षण संस्थान जालौर। आज अपन कक्षा पंचमी विषय गणित की प्रश्नावली प्रथम, जिसके प्रथम वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 तीनों प्रश्नों को अपन पहले हल कर चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए, यानी 6 और 2 का अपन को स्थानीय मान लिखना है। संख्या है 28,506। इसके अंदर अपन को देखना है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान यानी इकाई का अंक है, इसीलिए 6 के बाद में कोई अंक नहीं है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। इस प्रकार से अपन को करना है 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि इसमें आगे कोई अंक नहीं है। उसके बाद में 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ है इस संख्या में, फर्स्ट में है, ठीक है, 10,000 के स्थान पर है। तो 2 के बाद में कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो 2 के पीछे अपने को क्या करने हैं, 4 शून्य लगाने हैं। 2 के पीछे 4 शून्य, यानी कितने हो गए, 20,000। चार शून्य लगाने हैं, 2 के पीछे 4 शून्य, यानी कितने हो गए, 20,000। तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6, और 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 20,000 हो गया। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा, 36,265। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 का अपने को स्थानीय मान नहीं निकालना, अपने को किसका निकालना है, 6 का निकालना है। तो 6 कहाँ है, दाई के स्थान पर है। तो दाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, ये दाई का अंक है, दाई के अंक पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद में कितना अंक है, 1 ही है, 5। तो अपने को 6 के पीछे क्या करना है, 1 शून्य लगाना है। उसके बाद में सैकड़ा के स्थान पर कौन है, 2 है। तो सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितने अंक है, 6 और 5, 2 अंक है। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2 के पीछे 2 शून्य लगाना, 2 के पीछे 2 शून्य लगाए, कितने हो गए, 200 हो गए। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, कितने, 6, ठीक है, हजार के स्थान पर 6 का स्थानीय मान। तो 6 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3। तो 6 के पीछे अपने को क्या करना है, 3 शून्य लगाना है। तो ये हो गया 6 और 2 का स्थानीय मान। फिर तीसरा प्रश्न है 52,267। इसमें इकाई के स्थान पर, इकाई में कौन है, 6। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का 6 ही होगा, क्योंकि पीछे कोई अंक नहीं है। उसके बाद में दाई के स्थान पर कौन है, 6। तो दाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के पीछे कितने अंक है, 1 है। तो 6 के पीछे अपने को क्या करना है, 1 शून्य लगाना है। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कौन है, 2 है। तो सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितने अंक है, 1 और 2। तो अपने को क्या करना है, 2 शून्य लगाने हैं। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पर 2 का स्थानीय मान, तो हजार के स्थान पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, कितने हो गए, 3 शून्य लगा दिए। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2000 हो गया। इस प्रकार चौथा प्रश्न है 17,242। इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। दाई का अंक 4 है, तो अपने को निकालना नहीं है, ठीक है। फिर सैकड़ा के स्थान पर कौन है, 2 है। तो सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 के पीछे 2 शून्य, मतलब 200 हो गया। उसके बाद में 9 है नहीं, और अंत में 10,000 के स्थान पर क्या है, 6। तो 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो 6 के पीछे अपने को क्या करना है, 4 शून्य लगाने, तो कितने हो गए, 60,000 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है 82,563 में दाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, यानी इकाई में 3 है और दाई में 6 है। तो 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 के पीछे कितना अंक है, 1 है। तो अपने को 1 शून्य लगाना, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद में सैकड़ा 5 है, अपने को निकालना नहीं है। हजार के स्थान पर 2 है, तो इसका मतलब 2,
का स्थानमान क्या होगा, दो के पीछे कितने अंक है, एक दो तीन, तो तीन अपने को इस शून्य लगाने तो कितने हो गए 2000 हो गए। इस प्रकार जो पांचवा प्रश्न है अगला, नीचे दिए गए संख्याओं के बीच ठीक है तीन प्रकार के चिन्ह है, छोटा बड़ा और बराबर, इसमें से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो जो पहला प्रश्न है 29 79 ठीक है, और इधर है 29 32, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 29 79, तो ये जो चिन्ह है वो कौन सा लगेगा, ये चिन्ह जो बड़ी संख्या की तरफ खुला रहेगा और बंद है वो इधर छोटी संख्या की तरफ रहेगा। दूसरा 54 23, 5423, और इधर है 5432, तो 23 बड़ा है या 32, तो बताइए बड़ा कौन सा है, 32 है, तो 5423 और 5432, तो बड़ा कौन सा है, ये संख्या बड़ी है तो अपने को ये बनाना है चिन्ह। उसके बाद में 8952 और 8952, यानी दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर है, तो अपने को क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। इधर चौथे क्वेश्चन में 6850, इधर है 6852, यानी या तो 850 और यहाँ 852, तो बड़ी संख्या कौन सी है भैया, तो ये बड़ी संख्या है, तो अपने को क्या करना है, ये चिन्ह लगाना है। उसके बाद में है पांचवे प्रश्न के अंदर 3675, इधर है 3675, यानी दोनों संख्या आपस में क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। छठे प्रश्न में है 9821, इधर है 9799, तो ये तो यहाँ तो है 799 या है 821, तो बड़ी संख्या कौन सी अपने को ये दिख रही है, तो इसमें अपने को ये चिन्ह लगाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई संख्या को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, अपने को कौन सा क्रम लिखना है, छोटे से बड़े का क्रम, यानी आरोही क्रम में लिखना है, कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा, पहली छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो इसके अंदर सब ये 26886, 37725, 30840, 25975 और 40021, तो सबसे छोटी संख्या अपने को कौन सी दिख रही है, 25975, तो ये सबसे पहले अपन लिखेंगे। उसके बाद में 25 के बाद में कौन सी संख्या है, 26886, तो दो नंबर पे ये आएगी, फिर तीन नंबर पे आएगी 30840, और चार नंबर पे आएगी 37725, और अंत में आएगी 40021, तो ये है संख्या, सबसे पहले 25000, उसके बाद में 26886, उसके बाद में 30840, 37725 और अंत में 40021। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है 59307, दूसरी संख्या 53907, 59703, 57039 और 57903, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि यहाँ 59000 है ठीक है, 53000 है, 59 57 और 57, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 53000, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 53907, उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 53000 के बाद में 57039, दो नंबर पे ये, फिर तीन नंबर पर 57903, उसके बाद में पीछे कौन सी रही है, 59307 और इधर 59703, तो पहले कौन सी आ जाएगी, ये और फिर 703 वाली ठीक है। इस प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है वो आपको हल करना है ठीक है, इसको आरोही क्रम के अंदर लिखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ भी 74000 है 74000 है 74000 है या 77000 है या 77000 है, यानी तीनों संख्याओं को छोड़ दीजिए, पहले इस तीनों संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उसकी बड़ी कौन सी है, अंत में बड़ी कौन सी है, फिर इसमें से निकाल करके आपको हल करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक के साथ नीचे दी गई संख्या को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले क्या करना अपने को, बड़ा बड़ी संख्या है उसको निकालना है, इसको कौन सा क्रम अपन बोलेंगे, अवरोही क्रम ठीक है, अवरोही क्रम के अंदर लिखना। जैसे पहला प्रश्न है तो उसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम, तो इसमें देखिए पहली संख्या 41525, 51425, 34152, 42325, 50925, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 51425, तो अपन सबसे पहले 51425, उसके बाद में बड़ी कौन सी है, 50000 वाली है 50925, उसके बाद में बड़ी कौन सी संख्या है, 42325, उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 41525, और उसके बाद में अंत में जो बड़ी संख्या है वो जो
34,152, तो ये है अवरोही क्रम। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, अवरोही क्रम। तो इसमें अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले 86,067, 81,316, 85,032, 82,511 और 81,154। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपने को दिख रही है, 86,067, 86,067। उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 85,032। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 85,032। उसके बाद में तीसरी संख्या कौन सी आएगी, 82,511। उसके बाद में कौन सी आएगी, 81,316, 81,316 और अंत में कौन सी आ जाएगी, 81,154। तो ये अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी, उसे छोटी, छोटी, छोटी और अंत में सबसे छोटी। ठीक है, इस प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है उसको आपको हल करना है। धन्यवाद।